गुड मॉर्निंग। और हमने पिछली क्लास में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यों के बारे में डिस्कस करा था। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो गुप्त पीरियड के ऊपर रहेगा। ओके, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो गुप्त पीरियड पढ़ने से पहले आज हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। हम इंडियन सोसाइटी के बारे में देखेंगे, इंडियन सोसाइटी का जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में देखेंगे, हम गुप्तों की जो गुप्ता पीरियड में इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी वो देखेंगे, समाज देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसे था वो देखेंगे। गुप्त पीरियड पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ा से पहले का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके पहले इंडिया में स्थिति क्या थी, और इसके पहले का जो हमने लेक्चर लिया था उसके बारे में से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पहले हमने किस बारे में पढ़ा था? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा था, मौर्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो हमने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य पीरियड में यह देखा था कि यह पहला ऐसा वंश था जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया था। यह हमने पढ़ लिया था। एक मैप के थ्रू मैं आपको मौर्यों का कंपैरिजन गुप्ताओं से करके भी बताऊंगा। तो हमने ये देखा था कि मौर्यों ने लगभग संपूर्ण भारत पे, पूरे भारत पे शासन किया था, लगभग सारे क्षेत्र उनके द्वारा जीत लिए गए थे। मौर्य साम्राज्य में जो अंतिम श्रेष्ठ शासक थे वो अशोक थे, जिन्होंने शुरुआत में हिंसा और आक्रमण की नीति अपनाई थी और बाद में उन्होंने अहिंसा और अनाक्रमण की नीति अपनाई थी, शांति की नीति अपनाई थी। मौर्य पीरियड जब भारत से गया या 185 बीसी में जब मौर्यों का भारत में कोलैप्स हुआ, बृहदत्त जो कि उनके अंतिम शासक थे जब वो गए, तो इंडिया में एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था। क्या हो गया था इंडिया में? पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब है राजनीतिक अस्थिरता हो चुकी थी और एक वैक्यूम डेवलप हो चुका था, एक वैक्यूम या एक स्पेस क्रिएट हो चुका था। मौर्यों के बाद भारत में 185 बीसी में जब मौर्य गए, एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन या वैक्यूम डेवलप हो चुका था। और इसके बाद कौन से दो इंपॉर्टेंट वंश आए थे? एक कौन सा आया था? सातवाहन वंश, और एक आया था कुषाण वंश। लेकिन आज हम सातवाहन और कुषाण वंश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यों के बाद भारत में जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन या वैक्यूम का माहौल क्रिएट हुआ था उसको आप कौन भरेगा? गुप्ता पीरियड भरेगा, गुप्त का साम्राज्य भरेगा। ये जो साम्राज्य था गुप्त पीरियड का, ये मौर्यों जितना वाइडली एक्सपेंडेड तो नहीं था, ये मौर्यों जितना विशाल नहीं था, लेकिन इसने लगभग एक सेंचुरी तक पूरे नॉर्थन इंडिया को, पूरे नॉर्थन इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइटेड रखा। समझ में आ गया? मौर्य साम्राज्य विंध्याचल पर्वतमाला के पार साउथ में भी फैला हुआ था, जबकि गुप्त साम्राज्य साउथ में अपना स्वामित्व नहीं बना पाया था। उसके बहुत सारे कारण थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके, उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। After the Mauryas, there seemed to be a political disintegration in India, and the vacuum or political disintegration that was created was filled by whom? Gupta period. ये एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता है। Ancient India में, भारतीय प्राचीन इतिहास में सबसे मजबूत वंश कौन सा था? सबसे मजबूत डायनेस्टी कौन सी थी? मौर्य डायनेस्टी। सेकेंड मजबूत डायनेस्टी कौन सी थी? गुप्ता पीरियड था, जो कि किसके बाद आया था? सातवाहन और कुषाणों के बाद। और ऐसा बोला जाता है सातवाहन और जो कुषाणास थे, देखिए भारत में धीरे 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 सातवाहन और कुषाण वंश के बाद फ्यूडलिज्म आने लगा था, सामंतवाद आने लगा था। अब सामंतवाद क्या होता है उसको आज के रिस्पेक्ट में देखना, अंग्रेजों के समय में सामंतवाद कैसा था और प्राचीन इतिहास में, मतलब इस समय सामंतवाद कैसा था, वो हम जब लेक्चर आगे आगे डेवलप करेंगे तब देखेंगे। सामंतवाद भारत में आ चुका था। तो ऐसा बोला जाता है ये जो गुप्ता थे वो कुषाणों के सामंती हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, और फिर वहीं से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इस पीरियड में, इस काल में अनेक श्रेष्ठ लोग आए। ये काल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भारतीय प्राचीन इतिहास, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का स्वर्ण काल
गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आगे चल के हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि इसको गोल्डन पीरियड बोलना किस हद तक और किस क्षेत्र में सही है और किस क्षेत्र में इसको गोल्डन पीरियड बोलना गलत है। कुछ कुछ ऐसे भी रिस्पेक्ट हैं जिनमें मौर्य पीरियड को गोल्डन पीरियड बोला जाना चाहिए और कुछ कुछ ऐसे भी रिस्पेक्ट हैं आर्ट आर्किटेक्चर कला के क्षेत्र में गुप्त पीरियड को वो बोला गया है। इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट राजा हैं जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, भानुगुप्त है, रामगुप्त है, श्रीगुप्त और घटोत्कच है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सारे राजाओं के बाद आज हमको क्या क्या करना है और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत में हम सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एक टाइमलाइन बनाएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। उन राजाओं को पढ़ने के बाद हम अर्थव्यवस्था देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, इंडियन सोसाइटी को इसके साथ देखने की कोशिश करेंगे और आज की जो रिफॉर्म्स हैं उनको देखने की भी हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में आप पहले सारे टॉपिक्स लिख लो एक पेज पे, आज हमको क्या क्या पढ़ना है ताकि रेफरेंस के लिए आपके पास आसानी रहेगी। लिखिए तो गुप्त पीरियड में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके आप पूरी एक टाइमलाइन बना लो। कुल मिला के 25 पॉइंट्स हमको कवर कर ले, ठीक है, उनको आप एक एक करके लिख लो। सबसे पहले देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं कि मौर्य काल के बाद, एक एक करके मैं पॉइंट आपको लिखा रहा हूं और एक एक करके इनके बारे में डिस्कस भी करता चलूंगा। आधे से ज्यादा राजाओं के बारे में और गुप्त पीरियड के बारे में मैं लिखते समय ही आपको बता चुका हूंगा और बाद में उनको नोट करा दूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर क्या रही, आफ्टर मौर्यास देयर वाज अ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इन इंडिया, देन केम द गुप्ता एम्पायर, इट वाज नॉट सो वाइडली एक्सपेंडेड एज द मौर्यन एम्पायर वाज, लेकिन इसने नॉर्दर्न इंडिया को पॉलिटिकल यूनाइटेड रखा। हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। उसके बाद पढ़ेंगे द अर्ली गुप्तास, द अर्ली गुप्तास। अर्ली गुप्तास से मेरा मतलब है श्रीगुप्त जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और घटोत्कच, ये दो राजा हैं। घटोत्कच के बेटे थे कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, या घटोत्कच के बाद कौन आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला लिखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है हमको, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, देखिए अर्ली गुप्तास में हम दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो श्रीगुप्त और एक घटोत्कच के बारे में, ओके। अब इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्रीगुप्त के द्वारा। दूसरे शासक कौन आए, घटोत्कच है। लेकिन ये जो दोनों शासक थे ना, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। उसका यह कारण है, इनके पास उतनी पावर्स नहीं थी जितनी बाद के राजाओं के पास में आई, और ये जो राजा थे ना वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। आगे समझ में, इस वंश का पहला स्वतंत्र राजा जिसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला गया वो कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट इसलिए इंपोर्टेंट थे, इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी कौन सी थी, प्रयाग थी। इनकी राजधानी कौन सी थी, प्रयाग, मतलब इलाहाबाद, मतलब कहां पे पड़ रहा है, ईस्टर्न यूपी में। देखिए एक इमेज को देख लेते हैं और इसके थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये जो ग्राफ, ये जो चार मैप है, इनके थ्रू आपको पूरा गुप्त काल समझ में आ जाएगा, किस राजा ने कितना क्षेत्र जीता, मौर्यों से ये अलग किस प्रकार से थे, ये सारी चीजें हमको समझनी है। तो इस ग्राफ को, सॉरी इस मैप को हम देखते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा दिख रहा है, मौर्य एम्पायर 260 BC एंड गुप्ता एम्पायर। सबसे पहले आप देखो ये वाला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है मौर्य एम्पायर, वो लगभग आपको साउथ के छोटे से हिस्से को छोड़ के लगभग पूरे भारत में दिख रहा है और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान वगैरह तक है, विस्तृत है। अब हम ऑरेंज कलर से अगर गुप्ता एम्पायर को देखते हैं तो आप देखिए डेकन प्लेटू और उसके नीचे का क्षेत्र, वो वहां पे अपन को नहीं दिख रहा है,
मतलब मौर्यों का एम्पायर और मौर्यों की सेना गुप्तों से बड़ी थी, मतलब पॉलिटिकली मौर्य ज्यादा मजबूत थे, तो गोल्डन पीरियड उसमें अपन मौर्यों का बोल देते हैं, मान लेते हैं। अब अगर अपन थर्ड मैप पे आते हैं तो इसमें अपन को समझ में आता है गुप्तों का पीरियड। सबसे पहले आप देखो इसमें तीन कोडिंग है, डार्क ब्लू कलर से क्या दिख रहा है अपन को, कॉन्केस्ट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो आप देखो जरा डार्क ब्लू कलर से मगध और पाटलिपुत्रा का क्षेत्र, ये किसके अधीन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, चंद्रगुप्त फर्स्ट इस समय के गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक और पहले ऐसे राजा थे जो स्वतंत्र राजा थे। इनकी स्वतंत्रता का प्रमाण हमको इनकी उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि से मिलता है। इन्होंने एक उपाधि ली थी जिसका नाम है महाराजाधिराज, उस उपाधि से हमको पता लगता है ये इस वंश के पहले श्रेष्ठ और स्वतंत्र राजा रहे होंगे। इन्होंने मेनली कहां कहां पे शासन किया, पाटलिपुत्रा और मगधा, ईस्टर्न यूपी और बिहार के क्षेत्र में। ईस्टर्न यूपी मतलब एकदम मिनरल रिच क्षेत्र, बिहार मतलब फर्टाइल क्षेत्र, ईस्टर्न यूपी मतलब मिनरल रिच क्षेत्र और बिहार भी मिनरल रिच और फर्टाइल क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों से गुप्ताओं को प्रॉस्पेरिटी मिली, क्या मिली, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिली। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इस समृद्धता के कारण गुप्तों का साम्राज्य मजबूत हुआ और इस साम्राज्य को जो कि पहला इतना मजबूत नहीं था उसको आगे चल के किसने सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया, समुद्रगुप्त ने। आप देख लीजिए लाइट जो सेकंड नंबर की कोडिंग है उसमें आपको सबसे विस्तृत क्षेत्र किसका दिख रहा है, समुद्रगुप्त का दिख रहा है। समुद्रगुप्त ने अलग अलग नीतियों का प्रयोग करके आटविक राज्य मतलब जंगल के क्षेत्रों में उनकी अलग नीति थी, जो बॉर्डर स्टेट है उनमें उनकी अलग नीति थी, आर्यवर्त के क्षेत्र उनमें उनकी अलग नीति थी और दक्षिणावर्त के क्षेत्र उनमें उनकी अलग नीति थी। अलग अलग नीतियों का इस्तेमाल करके गुप्तों के साम्राज्य को सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से फैलाने वाले राजा थे समुद्रगुप्त, इसलिए उनको भारत का नेपोलियन की उपाधि भी दी गई। और लास्ट में ये गुजरात और मालवा का क्षेत्र आपको किसके द्वारा विजय किया गया दिख रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। तो इतने सारे राजाओं में से तीन इंपोर्टेंट राजा हैं जिन्होंने मेनली विस्तार किया। अच्छा अब इसी को अपन यहां से भी पढ़ लेते हैं, फोर्थ से जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें अपन को, मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, एरियास एनेक्स्ड बाय, ये जो प्रयाग और पाटलिपुत्रा का क्षेत्र है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जीता। देखिए एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये वाला जो मैप है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक एक वर्ड अच्छे से समझना। प्रयाग और पाटलिपुत्र और ईस्टर्न यूपी और थोड़ा सा बिहार का क्षेत्र किसने जीता था, चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये जो लाइट ग्रीन है इसमें अपन को क्या दिख रहा है, एरियास एनेक्स्ड बाय समुद्रगुप्ता। इसका मतलब ये है समुद्रगुप्त ने ये राज्य जीते और छीन लिए और अपने बना लिए, एनेक्सेशन मतलब, क्लियर है। अगला वाला जो इसके पास डार्क ग्रीन है लेफ्ट तरफ पे उस पर अपन को देख रहा है, एरियास मेड ट्रिब्यूटरी बाय समुद्रगुप्ता एंड अनेक्स्ट बाय चंद्रगुप्त सेकंड। ये गुलाम बना लिए गए, ये ट्रिब्यूटरी बना दिए गए किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, और जीत किसके लिए दर गए, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। और ये जितने भी साउथ का क्षेत्र है एरिया मेड ट्रिब्यूटरी बाय समुद्रगुप्ता, ये समुद्रगुप्ता ने जीता। और बाद में जो पश्चिम वेस्ट का क्षेत्र दिख रहा है अपन को, एनेक्स्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमार गुप्ता। तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार का इतिहास रहा था गुप्त काल में। समझ में आ गया तीनों राजाओं की श्रेष्ठता क्या थी, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी केवल हमने ओवरव्यू लिया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए गए थे, एक तो इनको वास्तविक संस्थापक बोला गया, फर्स्ट स्वतंत्र राजा थे, इनकी उपाधि कौन सी थी, महाराजाधिराज थी, इन्होंने कॉइंस भी चलाए थे, क्लियर है। और इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत लक्ष्मी की रानी से, कुमार देवी से भी शादी की थी, क्लियर है।
आगे चल के हम इनके बारे में लिख लेंगे, अभी केवल हम ओवरव्यू ले रहे हैं। अगला इंपोर्टेंट राजा कौन सा है? समुद्रगुप्त। बहुत इंपोर्टेंट राजा है, जैसा कि मैंने अभी आपको इनके द्वारा की गई विजयों के बारे में बताया था। ओवरव्यू अभी दे देता हूं, लिखवा बाद में दूंगा। समुद्रगुप्त ने इतने श्रेष्ठ इनको क्यों कहा गया? इनको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं टोटल चार वर्ड्स में इनको डिफाइन कर देता हूं। ये एक कैपेबल पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। ये एक ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस इन इंडिया। ये बहुत अच्छे सेना नायक थे, कैपेबल पॉलिटिशियन थे, आर्ट लवर थे, कला प्रेमी थे और एम्पायर बिल्डर थे, साम्राज्य बनाया था इन्होंने। तो चार पॉइंट हमने पढ़ लिए इनके बारे में। क्या क्या पढ़े? आर्ट लवर, क्योंकि इनको कला से प्रेम था, इनको कविताएं भी लिखते थे, इनको कविराज भी बोला जाता है, क्लियर है। और सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी इनके बारे में? ग्रेट मिलिट्री जीनियस। एक और चीज हमने क्या पढ़ी इनके बारे में? आर्ट लवर हो गए, और एक और चीज क्या इनके बारे में? कैपेबल पॉलिटिशियन, क्लियर है। इनको इतना इंटेलिजेंट इसलिए बोला जाता है, और मैं आने वाले लगभग 2000 साल के जो राजा हैं उनकी तुलना आपको इनसे करके बताता हूं। क्या हुआ सरन मैम? जो आसपास के छोटे छोटे राज्य थे जो ज्यादा मजबूत नहीं थे, जैसे आर्यवर्त का क्षेत्र, आर्यवर्त का क्षेत्र मतलब ये वो क्षेत्र था जो गंगा यमुना दोआब के बीच में आता था, क्लियर है। तो लगभग ये वाला क्षेत्र हुआ, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। इनको इन्होंने कैसे जीता? छीना, मतलब राजाओं को मार के जीता। जो उत्तर के नौ राजा थे, जो नॉर्थ के नौ राजा थे, इनको भी इन्होंने हराया और जीता। अब सबसे बड़ी दिक्कत पिछले लेक्चरों में मैं आपको बता चुका हूं, यह होती है कि साउथ इंडिया की हम जब भी बात करते हैं तो हम भारत की ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस की बात करते हैं, मतलब भारत की भौगोलिक जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, उनकी बात करते हैं। साउथ इंडिया में विंध्याचल पर्वत आने की वजह से, विंध्याचल पर्वतमाला आने की वजह से, इस इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन होने के कारण साउथ इंडिया को डायरेक्ट जीतना इतना आसान नहीं था। तो इन्होंने हर राज्य के लिए, देखिए उत्तर में और आर्यवर्त के क्षेत्र को डायरेक्ट जीतो, ये इन्होंने करा। और साउथ में इन्होंने क्या पॉलिसी लगाई कि मैं विंध्याचल पर्वतमाला की वजह से जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन या भौगोलिक सीमाएं आ रही हैं उसको देखते हुए इन्होंने साउथ के जितने भी यहां के क्षेत्र हैं उसको इनडायरेक्ट रूप से गुलाम बनाया। इन्होंने क्या करा? राजाओं को हटाया नहीं, राजाओं को वहीं पर रहने दिया और राजाओं से अपनी गुलामी को स्वीकार करवा लिया, क्लियर है। पहले इन्होंने गुलाम बनाया, फिर स्वतंत्र कर दिया और दोबारा गुलाम बना लिया। क्योंकि ये ऐसा इन्होंने क्यों करा? डायरेक्ट इन्होंने शासन करने की क्यों नहीं सोची? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से इन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। अब बाद में बहुत सारे इंडिया में राजा है, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी अव्यवहारिक नीतियों के कारण उनका पतन हुआ, अव्यवहारिक नीतियों के कारण उनका पतन हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी को नॉर्थ इंडिया से ट्रांसफर करके साउथ इंडिया में कर दिया था। तो उन्होंने डायरेक्ट साउथ में, डायरेक्ट रूप से साउथ में कब्जा करने की या जीतने की कोशिश करी, इसलिए उनका पतन हुआ। औरंगजेब ने भी अपनी नीति या अपनी एनर्जी कहां पे लगाने की कोशिश की? साउथ इंडिया में, इसलिए उनका भी पतन हुआ। ये बात उनसे पहले समुद्रगुप्त को समझ में आ गई थी, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की वजह से ऐसा संभव नहीं है कि मैं डायरेक्ट अनेक्स कर पाऊं उसको, इसलिए ऐसा करते, इनको अपन गुनाम बना लेते, ट्रिब्यूटरी एरियाज बना लेते और अपना काम चलता रहेगा, क्लियर हो गया। अब बाद में दिक्कत यह हुई सरन मैम कि जब समुद्रगुप्त के बाद अगले राजा कौन से आए? चंद्रगुप्त सेकंड आए, उनके बाद कौन आए? कुमारगुप्त आए, कुमारगुप्त के बाद कौन आए? स्कंदगुप्त आए, स्कंदगुप्त अंतिम श्रेष्ठ राजा इनमें से। उनके समय तक बाद में आते 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 आते
क्योंकि ये क्षेत्र इन्होंने डायरेक्ट तो जीते नहीं थे, राजा थे यहां पे, तो राजाओं ने जैसे जैसी राजा की शक्ति में, मतलब जो सेंटर है, मतलब जो गुप्त राजा है उनकी शक्तियों में गिरावट होती गई, वैसे 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 ये जो राजा थे वो अपनी जवान खोलने लगे और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। ये सारी चीजें हुई थी, क्लियर है? तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने देख लिया, आर्ट लवर, कला प्रेमी थे, ग्रेट पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल थे, ये सारी चीजें इनके बारे में है, क्लियर है? अलग अलग नीतियों का इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग करा, हर जगह हर इंसान से एक ही जैसे नीति का। मैं आपको एक डिप्लोमेटिक पॉइंट बता देता हूं, आपके जीवन में आगे काम आएगा, हर इंसान से हर क्षेत्र में एक जैसी नीति को अपनाना, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग नीतियां को आपको अपनाना चाहिए, इमोशनल के साथ इमोशनल, टफ के साथ टफ, हर जैसे इंसान एक जैसे इंसान के साथ एक ही नीति अपनाना, यह पतन का कारण निश्चित रूप से बनता ही है, क्लियर है? अगला देखते हैं, तो अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने मैप देखा था तो उसमें हमने देखा था कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो समुद्रगुप्त के द्वारा ट्रिब्यूटरी बनाए गए थे, जीते किसके द्वारा गए थे, पश्चिम के क्षेत्र किसने जीते, चंद्रगुप्त सेकंड ने जीते। नवरत्न किसके काल में थे, इनके ही काल में थे, क्लियर है? एनिशियंट इंडिया में नवरत्न किसके काल में थे, इनके ही काल में थे, ओके? और चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त संवत, मैं आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, गुप्त संवत, गुप्त कैलेंडर भी इन्होंने चलवाया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, उसको चंद्रगुप्त सेकंड के साथ कंफ्यूज मत करना, गुप्त संवत जो उसने चलवाया था जिसने महाराजादि राज की उपाधि धारण की थी, ये हो गया। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या क्या किया था वो हम देख चुके हैं, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे भी सही। अगला हमको देखना है देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाखदत्ता, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, मुद्रा राक्षस, तो इसके बारे में हमको देखना है देवी चंद्र गुप्ता बाय विशाखदत्ता। अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करके पॉइंट वगैरह हमको बाद में लिखना है, अभी हम केवल 23 पॉइंट्स लिखना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगला देखना है हमको कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त की श्रेष्ठता या इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कुमारगुप्त का कोई भी, मेरे को लगता इन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं करा था, इनकी कोई मिलिट्री सक्सेस नहीं रही, इनकी कोई मिलिट्री सक्सेस नहीं रही, लेकिन इन सबके द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे उनको संभालना यह काम किया कुमारगुप्त ने। अगले राजा कौन थे, स्कंदगुप्त, अगले राजा कौन थे, स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त के समय हुणों ने आक्रमण किया था। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं हिस्ट्री, हुणों ने किसके समय में आक्रमण किया था, स्कंदगुप्त के समय। जब हुणों ने स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किया तो जब हुणों ने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था उस समय क्या हुआ था, एक तो इकोनॉमिकली गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्लियर है? इकोनॉमिकली पतन इसलिए भी हुआ दोस्तों क्योंकि इस समय फ्यूडलिज्म सामंतवाद आ चुका था और लैंड ग्रांट्स होने लगे थे, लैंड ग्रांट्स का मतलब भूदान होने लगे थे, जिसके लिए बाद में एक मॉडर्न हिस्ट्री में आंदोलन चला था विनोबा भावे के द्वारा जिसका नाम था भूदान आंदोलन। लैंड ग्रांट्स होते थे, इकोनॉमिकली पिछड़ गए, और जब जब किसी भी राज्य की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तब तब उसका पतन होना निश्चित होता है, क्योंकि किसी भी राज्य की दो चीजों में पावर होती है, एक तो मिलिट्री और सेकेंड इकोनॉमी, इकोनॉमी से बिगड़े और मिलिट्री भी इनकी मोरल जितनी स्ट्रांग नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी सेना इनकी, ओके क्लियर है? चलिए स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे, और स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ, फॉल ऑफ गुप्त एम्पायर, क्लियर है?
अंतिम श्रेष्ठ राजा स्कंदगुप्त थे। इसके इनके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, उनका प्रशासन बहुत अच्छा था, उनका प्रशासन पिरामिड रूपी था, पिरामिड स्ट्रक्चर में था, और एक स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। वैसे के वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन सेम टू सेम लगभग 90% किसका था? गुप्तास का भी था, सेम टू सेम। जो मौर्यों में लिखा है आपने सेम टू सेम गुप्तास में लिख दिया। बस अंतर यह है, इनका साम्राज्य उतना नहीं फैला हुआ था मौर्यों को जितना था। सेकंड अंतर यह है, सेना उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उस समय में है। ये इनमें बेसिक अंतर। अगला देखेंगे हम रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में देखेंगे। अगले पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं। अगला देखेंगे हम गुप्त इकोनॉमी के बारे में। गुप्ताओं के समय में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसमें हमको बेसिकली चार पॉइंट डिस्कस करने हैं। आप यहीं पे लिख लो, एक तो करना है एग्रीकल्चर, एक करना है लैंड ग्रांट्स, भूदान। लैंड ग्रांट्स ज्यादा क्यों होते थे, उसका एक कारण था, उसका ये कारण था, इस समय में जो सबसे ज्यादा वर्चस्व पे धर्म था, या सबसे ज्यादा वर्चस्व पे, स्वामित्व पे, सबसे ज्यादा पीक पॉइंट पे जो था वो ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ कराया था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अब यज्ञों के बदले ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी भूमि। क्लियर है? तो लैंड ग्रांट्स बहुत होते थे, ऊपर से सामंतवादी प्रथा का प्रचलन होना, इन्हीं कारण से इनकी अर्थव्यवस्था बाद में बिगड़ी। और इंडस्ट्री और क्राफ्ट्स वगैरह के बारे में देखेंगे, गुप्तों की इकोनॉमी देखेंगे। उसके बाद हम तुरंत चलेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन। उसके बाद इसी के साथ हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल्चर और आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेशन इसीलिए, इतनी सारी चीजें इसलिए दो पार्ट में कवर होगा। आज हम पहला पार्ट कवर करेंगे और कल दूसरा करेंगे। इसमें हम स्कल्पचर्स देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, फिर हम लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्रोत मिलते हैं हमको, उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्रोत आप देख ही चुके हो, देवी चंद्र गुप्तम वा विशाखदत्त के द्वारा। इस देवी चंद्र गुप्तम में हमको ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद अगले राजा आए थे रामगुप्त। कौन आए थे? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त को चंद्रगुप्त सेकंड ने मार दिया था और बाद में ये राजा बने थे। अलग अलग प्रकार की जानकारी देवी चंद्र गुप्तम से हमको पता लगी है। और लिटरेरी सोर्सेस कैसे है, फायान आए थे इन काल में, तो फायान के बारे में जानकारी मिलती है और फायान ने अलग अलग लिटरेरी सोर्सों के बारे में बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है ना गुप्त पीरियड के बारे में जानने का, वो है समुद्रगुप्त के काल में उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हमको इलाहाबाद में मिलता है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, इनकी तारीफ में, मतलब किस राजा की तारीफ में। वो राजा कौन से थे? समुद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के क्षेत्रों में जीता था, विजय की थी, इसकी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति से मिलती है। इन्होंने आसपास के क्षेत्र जीते थे, उसकी जानकारी हमको 21वीं उससे मिलती है। तो लिटरेरी सोर्स काफी महत्वपूर्ण रहते हैं उस समय की जानकारी लेने के लिए। क्लियर है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे विकास हुआ वो देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसे विकास हुआ वो देखेंगे, और फिर देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर गुप्तास। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर गुप्तास, ये सारी चीजें हमको कवर करना है। क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा
आधे से ज्यादा चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं को हमको बाद में लिखना है। क्लियर है? एक एक करके मैं दोबारा आपको बता देता हूं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको यहीं से सारी चीजें रट जाए तो घर जाके इतनी मेहनत ना करना पड़े। हिस्ट्री ऑफ गुप्ता क्या थी? पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इन इंडिया आफ्टर मौर्यास, देन केम द गुप्ता एम्पायर आफ्टर कुशाणस एंड सातवाहनस। इट वॉज नॉट सो वाइडली स्प्रेडेड एज मौर्यास, बट इट केप्ट नॉर्दर्न इंडिया यूनाइटेड फॉर मोर देन ए सेंचुरी। अर्ली गुप्ता, श्रीगुप्त, घटोत्कच, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, बट द एब्सोल्यूट फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, हु इज नोन एज द एब्सोल्यूट फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, समुद्रगुप्त आए, अलग अलग राज्य में अलग अलग नीति का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त सेकंड आए, जिन्होंने समुद्रगुप्त के द्वारा क्षेत्र जीते गए थे उनको सुनिश्चित किया, जीता। अगले राजा आए कुमारगुप्त, इनके बारे में देखेंगे। स्कंदगुप्त आए, जिनके समय में हुनों ने आक्रमण किया था, गुप्ता एम्पायर का पतन हो गया। गुप्ता एम्पायर के पतन होने का कारण एक मेन चीज रही थी, उनका रेवेन्यू सिस्टम और उनकी इकोनॉमी में जो बाद में प्रॉब्लम्स आ गई थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एक और बार बता देता हूं। एक तो फ्यूडलिज्म सामंतवाद आ चुका था, और दूसरा लैंड ग्रांट्स बहुत होते थे। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं। होता क्या था, एक जो टैक्स था उसके रेट में थोड़ी बहुत कमी आई पहले की तुलना में। क्लियर है? लैंड ग्रांट्स होते थे, भूदान होता था। अब वो भूमि जो दान में दे दी गई है उस पर टैक्स तो लेना ही नहीं है, लगना ही नहीं है। सामंतवाद आया, जो जमीन सामंतों के पास थी उनसे भी ज्यादा इतना टैक्स नहीं लिया जाता था, टैक्स में गिरावट आई। फ्यूडलिज्म इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा 1750s के बाद लाया गया। क्यों आया था मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अंग्रेजों के द्वारा 1750s के बाद में टेक्निकल रूप से फ्यूडलिज्म सामंतवाद आया गया। क्यों? सरकार, मतलब अंग्रेजी सरकार, टैक्स कलेक्ट करती थी भारतीय किसानों से। अब भारतीय किसानों से जो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसकी रेट बहुत हाई रहती थी, तो डायरेक्ट नेगेटिव इमेज किसकी बना करती थी? इंग्लैंड सरकार की बना करती थी। तो इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, एक सेटलमेंट लाए जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से पूछी जाती है गुप्ताओं के बारे में, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाए थे? लॉर्ड कार्नवालिस, स्थाई बंदोबस्त। इस सेटलमेंट में क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी जो पहले किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेती थी, रेट बहुत हाई थी, इसलिए नेगेटिव इमेज किसानों के मन में, भारतीय जनता के मन में गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बनती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए सामंत। गवर्नमेंट ने कौन अपॉइंट किए? सामंत अपॉइंट किए। बीच में बिचौलिया गए। अब यह टैक्स कौन कलेक्ट करता था? ये कलेक्ट करते थे। ये कौन होते थे? भारतीय होते थे। अब नेगेटिव इमेज किसकी बनने लगी किसानों की नजरी में? इन लोगों की बनने लगी। और तभी से सामंतवादी प्रथा भारतीय नजरों में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बेकार चीज होके रह गई। क्लियर है? और इन्हीं प्रथाओं को परमानेंट सेटलमेंट आया, से महालवाड़ी आया, इसी तरीके से रैयतवाड़ी आया। अंग्रेज अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते थे, एक छूटा सक्सेस नहीं हुआ दूसरा, एक छूटा सक्सेस नहीं हुआ दूसरा। ये सारी चीजें फ्यूडलिज्म सामंतवाद का परिप्रेक्ष्य, और ये सारी चीजें आने की वजह से ही बाद में हमारे यहां लैंड रिफॉर्म्स शुरू हुए, जो कि मुझे लगता अभी तक जिन रूप से या जिन स्केल पे होना चाहिए अभी तक उस स्केल पे पहुंच पाए। सरकार प्रयत्नशील है लैंड रिफॉर्म्स को करने के लिए, और सरकार की हमेशा ये कोशिश रही है कि बीच में से बिचौली और मीडिएटरीज को हटाया जाए। बीच में से मीडिएटरीज बिचौली को हटाना सरकार केवल लैंड रिफॉर्म्स के केस में नहीं चाहती है, सरकार हर क्षेत्र में चाहती है। इसलिए सरकार ने डायरेक्ट सब्सिडी का काम कर दिया है जैन ट्रिनिटी के द्वारा। बीच में से जितने भी लोग हैं वो हट जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली केस उनकी उसमें जाएगा, कम से कम भ्रष्टाचार होगा। लैंड रिफॉर्म्स के लिए सरकार अभी भी प्रयत्नशील है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे आपको मैं बता देता हूं,
जब 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 कोई भी देश डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ता जाता है, विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ता जाता है, ऐसा जब भी होता है यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैंड रिफॉर्म्स। क्योंकि कोई भी देश डेवलपिंग से डेवलप्ड जाता है वो किन चरणों में होता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इन चरणों में होता है। सबसे पहले कोई भी देश कौन सा होता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, फिर इंडस्ट्री पे आती है, फिर सर्विस पे आती है। इंडिया ने डायरेक्ट एग्रीकल्चर से लगा दी जंप सर्विस पे। हमारी प्रॉब्लम यही रही कि हमने इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण योगदान को और इसके द्वारा जो जॉब क्रिएशन हो चुकी है होती है इसको हमने कभी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस पे, जबकि इंडस्ट्री क्षेत्र बहुत योगदान है। इंडस्ट्री क्षेत्र चाहिए तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, उनके लिए जो जमीन चाहिए, जमीन के लिए हमको लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा। और आज मोदी जी की कोशिश यही है मेक इन इंडिया के द्वारा जो इंडस्ट्री सेक्टर को भारत ने स्किप करके डायरेक्ट छलांग लगाई है सर्विस सेक्टर पे, उस इंडस्ट्री सेक्टर पे दोबारा आए जाए। क्योंकि जॉब क्रिएशन, भारत की 125 करोड़ जनसंख्या, इसमें से जो इतने सारे बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार केवल इंडस्ट्री सेक्टर ही प्रोवाइड करा सकता है, तो सरकार इसके लिए प्रतिशील है। लेकिन जब भी आईएनजी से ईडी पे जाते हैं, विकासशील से विकसित पे जाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर ऑटोमेटिकली लैंड रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करता है। कुछ ऐसे पेंडिंग बिल्स हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं, संसद काम ही नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी भारत की एक नेगेटिव चीज रही है कि संसद काम नहीं कर पाई है, लैंड रिफॉर्म्स बिल पास नहीं हो पा रहे, क्योंकि सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहां पे है? लोकसभा में तो है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में मेजोरिटी होने ना होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और लैंड रिफॉर्म्स इतनी मजबूती से नहीं हो पा रहे हैं, जीएसटी पास नहीं हो पा रहा है और इंडस्ट्री सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है स्किल ट्रेनिंग और जॉब क्रिएशन के लिए वो सारी चीजें नहीं हो पा रही है। डेमोक्रेसी है, टाइम लगता है, डेमोक्रेसी रिटार्ड्स डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी विकास को कम तो करता है। यही चीज अगर कम्युनिज्म देश चाइना में होती तो विकास जल्दी हो पाता, वहां पे किसी से परमिशन नहीं लेनी, मेरे को मेरे हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स करने, मैं अपने हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स करूंगा। लेकिन जब हम कम्युनिज्म नेशन की बात करते हैं तब इंडिविजुअल राइट्स, एक व्यक्ति के अधिकार कम होते हैं और गवर्नमेंट के अधिकार ज्यादा होते हैं। डेमोक्रेसी में उल्टा होता है, इंडिविजुअल राइट ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के राइट कम होते हैं। मतलब अगर अपन को विकास चाहिए तो अपन को खुद के इंडिविजुअल राइट्स का त्याग करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को राइट्स देना चाहिए, ऐसा भारत में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर कोई को अपने अधिकार चाहिए और कोई भी अपनी ड्यूटी, कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं एक-एक करके। लिखिए पहला पॉइंट, उसमें 2-3 पॉइंट लिखो जो अभी तक सुने हैं उन्हीं को लिखवा देता हूं। आफ्टर द मौर्यास एंड आफ्टर सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, यही लिखना है। अगर गुप्तों के बारे में कुछ भी आता है तो सबसे पहले आंसर में यही लिखना है दोस्तों, आफ्टर द मौर्यास एंड आफ्टर सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन कॉमा एन स्ट्रॉन्ग एम्पायर केम टू बी एस्टेब्लिश्ड इन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 319 AD अंडर गुप्तास। हिंदी में, मौर्यों के बाद और शताब्दियों तक चलते आ रहे राजनीतिक अस्थिरता के बाद, मौर्यों के बाद और शताब्दी तक चलते आ रहे राजनीतिक अस्थिरता के बाद 319 में गुप्त साम्राज्य, देखिए 319 में नहीं आया था ये, इसकी स्थापना हुई थी 245 में AD में, लेकिन 319-20 में कौन आए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसलिए 319 लिखवाया। स्थापना कब कर दी थी श्री गुप्त ने? 245 में। 245 से 285 तक कौन रहे थे? श्री
श्रीगुप्त 285 से, ये 240 है, ये 280 है, ये 280 है, ये 320 है, ओके। 319 BC में कौन आए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, और उन्होंने गुप्त कैलेंडर कब चलाया था? 319 AD, ओके। चलिए, आफ्टर द मौर्यास एंड आफ्टर सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग एम्पायर केम टू बी इनटू एक्जिस्टेंस 319 AD अंडर गुप्तास, ऑल्दो द एम्पायर वाज नॉट एज वास्ट एज मौर्यास, हालांकि ये साम्राज्य मौर्य जितना विस्तृत नहीं था, हालांकि ये साम्राज्य मौर्य जितना विस्तृत नहीं था, बट इट केप्ट नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन ए सेंचुरी, पर इसने एक शताब्दी से भी ज्यादा उत्तर भारत को अपनी पकड़ में रखा, ओके, क्लियर है। अब ऐसा करो, एक टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाइए, 185 BC, 185 BC का मतलब 185 ईसा पूर्व, कोलैप्स ऑफ मौर्यास का मतलब बृहदत्त जो अंतिम शासक थे वो हट गए थे ना, उसके बाद कौन सा वंश आया था? सातवाहन आ गए इतनी जल्दी, कौन सा आया था, कौन सा आया था मौर्यास के बाद? चलिए अगला लिखिए, तो 185 बीसी में कोलैप्स ऑफ मौर्यास, क्लियर है। सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, एक चीज को बार बार लिखा रहा हूं तो आपकी आपको याद हो जाए, सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब शताब्दियों तक राजनीतिक अस्थिरता रही। फिर कौन आए दोस्तों? कुषाण और सातवाहना। सातवाहना मेन कहां पे थे? साउथ इंडिया में थे, ओके, इसलिए इनको आंध्र सातवाहनास भी बोला जाता है, क्लियर है। फिर कौन सा वंश आया भारत में? गुप्त एम्पायर, जो एनिशियंट इंडिया का सेकेंड मजबूत वंश था। गुप्त एम्पायर में पहले राजा कौन आए? श्रीगुप्त, फिर आए घटोत्कच, अगले इंपोर्टेंट राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनके बारे में तीन चार इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लो, बता चुका हूं मैं आपको, फिर से लिखा देता हूं। पहला पॉइंट क्या है? इन्होंने कॉइंस चलाए, सिक्के चलवाए। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, पहले स्वतंत्र शासक थे गुप्त काल के। तीसरी इनकी उपलब्धि क्या है? गुप्त कैलेंडर चलवाया इन्होंने 319 में, गुप्त संवत चलाया, गुप्त कैलेंडर चलवाया इन्होंने। और फिर इनकी अगली उपलब्धि यह है, लक्ष्मी की रानी से इन्होंने शादी की थी, वैवाहिक नीति का अपना के लक्ष्मी राज्य को भी अपने अधीन करा, ओके। फिर कौन आए? समुद्रगुप्त, फिर कौन आए? समुद्रगुप्त। लक्ष्मी ये किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इनको लक्ष्मी दोहित्र भी बोला जाता है। लक्ष्मी दोहित्र का मतलब लक्ष्मी की बेटी से उत्पन्न पुत्र, लक्ष्मी दोहित्र, क्योंकि इनकी माता कहां की थी? कुमार देवी, लक्ष्मी की थी, लक्ष्मी दोहित्र। एक और बात बता देता हूं, भारत का नेपोलियन तो लिखो, और ऐसा करो वो भी लिख लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस, केपेबल पॉलिटिशियन, आर्ट लवर, एम्पायर बिल्डर, सभी काम किए इन्होंने, ओके। इनको भारत का नेपोलियन किन्होंने बोला था? किन्होंने उपाधि दी थी इनको भारत के नेपोलियन की, बताइए?
विंसेंट जॉन्स ने, विंसेंट जॉन्स ने इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था। देखिए एक बात बता देता हूं, धरनी बंद इनकी एक योजना थी, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देता हूं। धरनी बंद का मतलब है पूरी की पूरी धरती को अपने हाथ में लेना, मतलब विश्व विजय। ये विश्व विजय हम सिकंदर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सिकंदर की भी ये योजना थी। धरनी बंद के कारण ही इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। सिकंदर का भी सपना था विश्व विजय का, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ था। और एक डायलॉग और एक वो बोला गया था सिकंदर के बारे में, सिकंदर जब जिंदा था तो हाली थे मवाली थे, और सिकंदर जब मर गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, डेप्थ में समझा देता हूं। इसका मतलब सीधी सीधी एक डिबेट से जिसका नाम है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, कि अंत में सबको जाना तो है दोनों हाथ खाली रहने, तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से हम ज्यादा आध्यात्मिक प्रॉस्पेरिटी को वो दें। क्लियर है? देखिए अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था संसद काम नहीं कर पा रही है, ओके? ये हमने देखा था, बहुत सारे कारण है, अपोजिशन है, अपोजिशन के पास राज्यसभा में मजबूत पक्ष है, तरह तरह की चीजें हैं, उसमें से एक मेन कारण है लोग बागों का अशिक्षित होना। संसद ना चल पाने के पीछे एक कारण यह भी है, लोग बागों का अशिक्षित होना। क्यों? कुछ पता नहीं है एबीसीडी, धरना करना है और सारी चीजें करनी है। क्लियर है? इन बातों को और प्रचार प्रसार करना है। भारत में असहिष्णुता, इनटॉलरेंस जैसी चीजें हैं, जबकि मैं आपको पहले के लेक्चर ही बता चुका हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के समाज को तो शायद लोग समझ ही नहीं पाते। क्यों? मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, 5000, 3000, 2000, 1000 साल पहले की वैल्यूज को भी आज भी जिंदा रखना ये और किसी देश में संभव नहीं है बजाय भारत के। क्यों? क्योंकि आज भारत में हमको दोनों तरह के समाज मिलते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी भी। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब परंपरागत समाज पे, मॉडर्न सोसाइटी मतलब आधुनिक समाज हावी हो रहा है और आधुनिकता परंपरागत समाज को ढकते चलती है। जबकि इसका सीधा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके बता सकता हूं, मॉडर्न का मतलब, मॉडर्निटी का मतलब, मॉडर्न समाज का मतलब ज्यादा से ज्यादा मशीनरी और मशीनीकरण। क्लियर है? ट्रेडिशनल समाज का मतलब अप्रोच ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल होना, भगवान टाइप अप्रोच होना। मतलब आज अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो हमको ईश्वर दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण ज्यादा दिखेगा, और अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो मशीनी दृष्टिकोण हमको ज्यादा दिखेगा। आज हम मशीनों का यूज करते हैं, यह हमारी मॉडर्न समाज है, मॉडर्न कल्चर है। क्लियर है? आज हम उन मशीनों का प्रयोग करके उनकी पूजा भी करते हैं, किसी के घर में भी कार आती है उसकी सबसे पहले पूजा होती है, तो वो ट्रेडिशनल भी साथ साथ चल रहा है। तो मशीनीकरण या मशीनों को यूज करने के साथ साथ मशीनों की पूजा करने का मतलब है मॉडर्निटी के साथ साथ ट्रेडिशनल समाज होना। मतलब परंपरागत समाज और आधुनिक समाज भारत में दोनों साथ साथ इतना सुंदर सामंजस्य बिठाए हुए हैं, फिर भी लोग ये बोलते हैं भारत का इतने साल की जो इतने हजार सालों की विरासत है और जो ट्रेडिशनल समाज है, जो परंपरागत समाज है, उसको तो आधुनिक समाज ढकती चली जा रही है, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा है। तो शायद जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको भारत का इतिहास और भारत की डिटेलिंग इतने अच्छे से पता नहीं है, उनको केवल एक ही काम है, कैसे ना कैसे अपनी जो योग्यता अपन में नहीं है, जिसके कारण अपनी सर्विस नहीं लग पा रही है, उस योग्यता को सरकार के द्वारा निकाला जाए विरोध करके। यही तो धरनी बंद योजना हो गई। अगला हरिशेर, इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। एमपी में अभी जो मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं 6-6 नंबर में, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का
कल्चर के रिस्पेक्ट में व्याख्यान लिखी है। तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति के रिस्पेक्ट में, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको इनकी तैयारी रखनी है। इनको कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि ये कविताएं लिखते थे, संगीत के शौकीन थे। ये हो गया सरनेम समुद्रगुप्त के बारे में। आर्यवर्त में इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, उत्तर के राज्यों को कैसे जीता, दक्षिण के राज्यों में इनकी नीति क्लास की शुरुआत में डिस्कस हो चुकी है। अगले आए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड, इनके बारे में लिख लो, इन्होंने नाग वंश की कन्या से शादी की, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इनकी दो राजधानी थी, पहली थी पाटलिपुत्र और दूसरी थी अवंती। इनके काल में फायान आए थे, चीनी यात्री फायान, नवरत्न भी हुआ करते थे इनके काल में, और शकों को पराजित किया था, शक उन्मूलन भी इन्होंने ही किया था। कंफ्यूज मत हो जाना, शक किसके काल में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड, हुण किसके काल में आए थे, स्कंद गुप्त के काल में। ओके, उनके बारे में भी लिख लेते हैं। अगला लिखिए कुमार गुप्त, इनकी योग्यता क्या रही, कुछ नहीं, नो मिलिट्री सक्सेस, कोई सैन्य योग्यता या विजय नहीं, साम्राज्य को बचाया रखा इन्होंने, जो भी छोटी मोटी बात नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय बंद, अभिलेख सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। अगले पे आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अंतिम महत्वपूर्ण शासक, जो लोग ये सोच रहे हैं आधी चीजें हिंदी आधी चीजें इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश में या हिंदी में तैयारी कर रही हूं, तो आपको दोनों ही भाषण में परफेक्ट योग्यता होना जरूरी है इंडिया में सर्वाइव करने के लिए। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में मेहनत करें, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में मेहनत करें, आप होंगे कामयाब। इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी, लिख लीजिए विक्रमादित्य। कुल मिला के भारत में ऐसे 14 राजा हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली, चंद्रगुप्त सेकंड को भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ठीक है, दोनों को मिली थी, 14 राजा हैं दोस्तों कुल। ओके, हुणों के आक्रमण के कारण इनकी दशा दिशा अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया था। एक मिनट का समय लेके सुदर्शन झील की हिस्ट्री नीचे ही कहीं पे लिख लो, लिखो सुदर्शन झील - चंद्रगुप्त मौर्य - अशोक - रुद्रदामन, सुदर्शन झील - चंद्रगुप्त - चंद्रगुप्त मतलब मौर्य - अशोक - रुद्रदामन - स्कंदगुप्त। अगर आपसे पूछ लिया जाए किन किन का योगदान था, तो ये चार लोग थे। ओके, चलिए सर अगले पॉइंट पे आइए, लास्ट डेट। अब ये टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। ओके, ये टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। लिखिए अगला पॉइंट, आठवां था, कितना था देख लेना, लास्ट डेज ऑफ गुप्ता एम्पायर या फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। पहला पॉइंट लिखो हुण इन्वेजन, हुणों का आक्रमण। ओके, पहला कारण। दूसरा लिखो वीक सक्सेसर्स, अयोग्य उत्तराधिकारी, वीक सक्सेसर्स, अयोग्य उत्तराधिकारी। तीसरा का लिखो लैंड ग्रांट्स, भूदान आंदोलन बता चुका हूँ, इतना बड़ा टॉपिक, लैंड रिफॉर्म्स, सरकार काम नहीं कर पा रही है, संसद डिस्कस कर चुके हैं। चौथा लैंड ग्रांट्स, ब्रैकेट में लिख लो रिवेन्यू की अर्निंग कम, राजस्व कम मिलता था। फोर्थ अदर किंग्स
या अदर स्टेट्स डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस, बताया था आपको। बाद में वो राजा जो साउथ के थे उन्होंने इंडिपेंडेंस की गुहार लगाई। दो मिनट दे रहा हूं, अच्छे से रटो जो भी लिखवाया। अगला लिखो एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग पढ़ेंगे कल, आज एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी रेवेन्यू सिस्टम देख लेते हैं। जो आपको पिछले लेक्चर में समझाया था और बताया था कि आंसर कैसे लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या लिखोगे, क्या लिखवाया था पिछली क्लास में, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर इतने क्षेत्र से इतने क्षेत्र तक विस्तार, वही कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा गुप्ता में। क्यों? क्योंकि इनका भी पैरामेडिकल स्ट्रक्चर था और सारी चीजें थी। बता देता हूं, उसको बना लीजिए, बनाइए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता, गुप्त काल प्रशासन। गुप्तकाल प्रशासन, ठीक है। चलिए, मैंने आपको मौर्य काल में सबसे पहला पॉइंट यह पढ़ाया था कि राजा कैसा होता था, निरंकुश होता था, राजतंत्रात्मक निरंकुशता होती थी, वैसे ही यहां पे था। लिखो सेम 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 है, ठीक है। ऐसा कर रहा हूं मैं, यहां बना रहा हूं मौर्य, यहां बना रहा हूं गुप्त, तो पैरेलल दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे। मौर्यास निरंकुश राजतंत्रात्मक मोनार्की या मोनार्कियल, ओके। फिर क्या आते थे, केंद्र आते थे, याद है कि नहीं, भूल गए। फिर क्या आते थे, प्रांत आते थे, अक्षय पटल अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, सब पढ़ाया था, नगर गांव ऐसा चलता था, सबके अलग अलग अध्यक्ष अध्यक्ष होते थे। गुप्तों का भी सेम ही हाल था, डिफरेंस कहां था और क्या था बताओ। हाँ, और मिलिट्री, बस यहां भी क्या था, निरंकुश राजतंत्रात्मक। अगला, केंद्र होता था जिसमें राजा होता था, प्रांत जिसको बोला जाता था भुक्ति, ओके, जो मौर्य काल में प्रांत या भुक्ति, जिला मतलब विषय, नगर और फिर गांव। नगर में होते थे सामंत, सामंतवाद की प्रॉब्लम लगभग हर देश में रही, और चाइना में तो उसका पूरा कबाड़ा ही हो गया था, बाद में वो तो डेन जाओपिंग आए, ओके। तो क्या लिखेंगे इसमें भी, वही लिखेंगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर था, वही मौर्य का लिखा था, अंतर लिखो। लिख लेंगे आप अंतर, लिख लीजिए जो बताए थे। सेना टुकड़ों में थी, उतनी बड़ी सेना नहीं थी, उतना बड़ा क्षेत्र नहीं था, ये लिखिए। सेकंड लिखो अंतर, नगर प्रशासन में सामंतवाद फ्यूडलिज्म के तत्व मिलते हैं, नगर एडमिनिस्ट्रेशन में फ्यूडलिज्म मिलता है। अगला लिखिए, गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था मौर्यों की तुलना में अधिक विकसित थी, जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्तास वाज मच मोर एलाबोरेटेड देन द मौर्यास, मौर्यों से अच्छी थी। दो कानून अलग अलग चलते थे, दीवानी और फौजदारी। चलिए,
गुप्त काल में मौर्यों की तुलना में केंद्रीय तत्वों का अभाव था, सेंट्रलाइजेशन की कमी थी। ओके और यहां पे पोस्ट हेरिडिटरी होती थी दोस्तों, मौर्यों में पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती थी क्योंकि हरिशेण को महादंड नायक की पोस्ट मिली थी, जो उनके पिता की भी हुई थी और इनकी भी हुई थी। ठीक है, इसका हमको उदाहरण यहां से मिलता है। अगला लिखिए, इकोनॉमी लिखो, पॉइंट लिखते चलो। पहला, मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ स्टेट केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, राज्य की राजस्व का मुख्य भाग कृषि से आता था। एक मिनट का समय लेके एक पॉइंट याद भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताना भूल गया। फ्यूडलिज्म सामंतवाद, तो अब बात ये आती है कि सर सामंतवाद था तो लैंड का एक्सक्लूसिव ओनर कौन था? देखिए, ये जो जमीन है होनी वो सामंतवाद आ चुका है, तो जिस व्यक्ति की उस व्यक्ति की होनी चाहिए। थियोरेटिकली बोलने में उस लैंड का एक्सक्लूसिव ओनर स्टेट ही होती थी, राज्य होता था, ये याद रखना। क्लियर है? स्टेट ही लैंड की एक्सक्लूसिव ओनर थियोरेटिकली होती थी, वास्तविकता में कौन होते थे? वो लोग खुद होते थे। क्लियर है? ये याद रखना। दूसरी बात ये, हाँ वैसे थियोरेटिकली स्टेट होती थी। ओके, सेकेंड चीज, एग्रीकल्चर प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा गुप्त काल में बढ़ा, ये याद रखना। क्लियर है? सेकंड, अगला पॉइंट लिखो, ये लिख भी लो, स्टेट वाज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लैंड थियोरेटिकली, थ्योरी में होती थी। अगला लिखो, फ्यूडलिज्म डेवलपमेंट, सामंतवाद बढ़ा। अगला लिखो पॉइंट लास्ट, रिलीजियस फंक्शनरीज, रिलीजियस फंक्शनरीज वेयर ग्रांटेड लैंड कॉमा फ्री ऑफ टैक्स, धार्मिक अनुष्ठानों में भूदान किया जाता था। अगला लिखो, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ऑन द लार्जेस्ट स्केल इन गुप्ता पीरियड, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ऑन द लार्जेस्ट स्केल इन गुप्ता पीरियड, कृषि का सर्वाधिक विस्तार गुप्त काल में हुआ। अगला लिखो, समुद्रगुप्त कौमा, मैं आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो समुद्रगुप्त थे ना, उन्होंने बंगाल से यहां पे हिमालय, ये उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, उनका साम्राज्य कहां कहां फैला हुआ था, यहां पे कृष्णा और तुंग भद्रा नदी तक, यहां पे मालवा क्षेत्र तक गुप्त साम्राज्य फैला हुआ था, ये याद रखना। वेस्ट बंगाल में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था, जहां से ट्रेडिंग होती थी, वो पॉइंट मैं अब आपको लिखा रहा हूं। वेस्ट बंगाल वो क्षेत्र है जो बॉर्डर स्टेट्स में आता है, समुद्रगुप्त ने बॉर्डर स्टेट्स में उसको जीता था और एक पोर्ट को अपने अधीन कर लिया था, जिससे ट्रेड और कॉमर्स का विकास हुआ था और गुप्तों की इकोनॉमी को मजबूती प्रदान हुई थी। समुद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज रेन एंड अंडर हिज कॉन्क्वेस्ट, समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के समय एंड ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट वन वेस्ट बंगाल ब्रैकेट बॉर्डर स्टेट, सीमा राज्य पश्चिम बंगाल को जीता
विच गेव हिम कंट्रोल ओवर तम्रलिपि पोर्ट. तम्रलिपि पोर्ट, इसके कारण तम्रलिपि बंदरगाह पे उसका स्वामित्व हो गया, जिससे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ी. सेकेंड पॉइंट, इंडियन ट्रेड विथ रोमन एम्पायर सो ए डिक्लाइन. इंडियन ट्रेड विथ रोमन एम्पायर सो ए डिक्लाइन. भारतीय व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ कम हुआ, बट ट्रेड ग्रू विथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, विथ साउथ ईस्ट एशिया. परंतु दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ बढ़ा. ओके, बाद की जो चीजें हैं वो कल खत्म करेंगे अगले लेक्चर में.